नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बड़ेला आप सबको ये बताने जा रहा कि हम कैसे अपनी कहानी, कविता और साहित्य से रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल्स है उसको इंटरनेट पर कैसे अपलोड करें। बिल्कुल आसान है, सिंपल है जी। इस वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए, हमारा कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कीजिए। उस ब्राउजर के अंदर में एंटर यूआरएल बार रहता है, उसमें डालिए या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं www.sahitya.com। sahitya.com आप एंटर यूआरएल कीजिए या फिर गूगल से कीजिए, बात एक है। और उसके बाद में आप हमारे वेबसाइट ओपन होगी sahitya.com। या आप मोबाइल व्यू देख रहे हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स दिखाई देंगे। उसके बाद में आपको इधर में एक यूजर एरिया दिखाई देगा। पेज के बीच में आपको यूजर एरिया मिलेगा जहां आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आप फेसबुक, कनेक्ट विद फेसबुक, कनेक्ट विद गूगल एंड कनेक्ट विद ट्विटर, आप किसी भी एक मेथड को यूज करके आप इधर में अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। आपको नया अकाउंट, नए आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट है उसी से इधर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इधर लॉगिन करना चाहूँगा ट्विटर से, तो ट्विटर पे मैंने क्लिक किया। जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, फिर हमारी वेबसाइट ट्विटर से कनेक्ट करेगी। उसके बाद में आपको पेज रिडायरेक्ट होगा, थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने के बाद में आपका ट्विटर अकाउंट खुलते जा रहा है, ऑथराइज sahitya.com टू यूज योर अकाउंट। तो उधर में आप अपना जो भी ट्विटर का अकाउंट है उसको लॉग इन कीजिए, उसकी डिटेल डालिए, साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद में पेज फिर से रिडायरेक्ट होगा। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आपको दिखाई देगा कि इधर में आपका जो प्रोफाइल पिक है, प्रोफाइल पिक आपका दिखाई देगा। उसके बाद यूजर नेम आप चाहिए तो आप sahitya.com पर अपना अलग से यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको यूजर नेम चाहिए वो इधर डाल सकते हैं। और आपका मेल आईडी डालिए, जैसे मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ, और कंटिन्यू कीजिए। ये मेरा अकाउंट पहले रजिस्टर है तो इसीलिए मैं फिर से नया मेल आईडी डाला, और कंटिन्यू क्लिक कीजिए। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में sahitya.com के ऊपर लोगो के ऊपर में आपको एक अलग से एक नया बार दिखाई देगा। इस बार में आप ये आपका एडमिन पैनल है, यहाँ से आप जो चाहिए आप वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप इधर में आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं, आपका जो एडमिन पैनल है। तो आपको आर्टिकल अपलोड करना है, डायरेक्ट प्लस पे क्लिक कीजिए। आपको इधर में दो दिखाई देगा, पोस्ट एंड मीडिया। पोस्ट में आप साहित्य कहानियां, कविता अपलोड कर सकते हैं, और मीडिया में हमारे मीडिया आर्टिकल्स। तो अभी मैं प्लस पे क्लिक किया, पोस्ट पे क्लिक किया, उसके बाद में ये पेज ओपन होगा, एड न्यू पोस्ट। आपको दिखाई दे रहा है इधर में आ रहा है आपके पास में एंटर टाइटल हियर। आपको जो भी आर्टिकल है उसका टाइटल एंटर कीजिए। जैसे मैं सैंपल के लिए अभी टेस्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट एंटर योर टाइटल। आपको जो चाहिए वो बता सकते हैं इधर में। जो आपका आर्टिकल्स रहेगा उसके रिलेटेड में आपका एक हेडलाइन देना है, वो हेडलाइन आप इधर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है ऐड मीडिया। आप यहाँ से फोटो, वीडियो और ऑडियो जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई यूट्यूब की जो वीडियो है वो उस वीडियो को इस पोस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक करके आप अपने जो यूट्यूब का वीडियो है आर्टिकल उसको इधर में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप फिर उसके बाद में आपके नीचे में हमारा मेन कंटेंट इधर में डालना है, आपका जो भी कंटेंट है, जो आपका कहानी, कविता जो भी है उसको इधर में लिखिए।
आप इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो भी आपका है जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे इधर में राइट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सैंपल पे लिख रहा हूँ तो इधर अभी कुछ कुछ लिख रहा हूँ, तो आप चाहिए तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और आपको अगर इधर कुछ भी करना है तो आप अपने टेक्स्ट को इधर से डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल आज के टाइम। आपको आर्टिकल टाइटल डाल दिया, आपने आर्टिकल डाल दिया, उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव ड्राफ्ट एंड प्रीव्यू। सेव ड्राफ्ट करने से आपका आर्टिकल इधर सेव हो जाएगा, आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। उसके बाद में इधर में आपको नीचे में कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कैटेगरी में आप सिलेक्ट कीजिए आप किस टाइप की कैटेगरी है, तो कहानी है, कविताएं है, अभी जो आर्ट मैं अज्यूम कीजिए कहानी एक कविता पोस्ट की है तो कविता पे पोस्ट क्लिक कीजिए, कहानी है तो कहानी पे कीजिए। इसके बाद में आपको इधर बहुत सारे ये कहानी कविताएं जो भी है आपका किस से रिलेटेड है तो वो सब आप इधर में दिखा सकते हैं कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी के अंदर में आता है, वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं कविता सिलेक्ट किया है, उसके बाद में टैग मेन मोटिव क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है आपके इसमें, जैसे कि अभी अज्यूम कीजिए इस पोस्ट में मैं मोटिवेशनल थॉट्स डाल रहा हूँ, तो इसको टैग डालिए मोटिवेशनल। मोटिवेशनल और कुछ आप इसमें बहुत सारे टैग एक साथ में डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, तो हमने इसमें मोटिवेशनल पे इधर ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद में आ गया सेट फीचर्ड इमेज, आप इधर फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं, इधर सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए, कोई भी फोटो अपलोड कीजिए। जैसे मैं ये वाला कार्टून डाल देता हूँ, कार्टून सेलेक्ट करने के बाद में इधर ऑप्शन आएगा, अभी ये फोटो अपलोड हो रहा है, जैसे फोटो अपलोड हो जाएगा आपको इधर क्लिक करने के लिए बटन दिखाई देगा। अगर आपको ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा तो आप इधर से हमारे जो पहले अपलोड किया हुआ है उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी ये है मैं इसको यूज करना चाहता हूँ सेट फीचर्ड इमेज, या फिर इसको चाहिए तो इसको फिर से कर लेता हूँ, ये अपलोड हो गया सेट फीचर्ड इमेज। जैसे हम उधर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा फोटो इधर दिखाई देगा, और इधर में सबमिट, फिर ऊपर में थोड़ा ऊपर आने से सबमिट फॉर रिव्यू, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने सेव ड्राफ्ट किया, अगर आप देखना चाहते हैं पोस्ट कैसा दिखेगा तो आप इधर से क्लिक करने से प्रीव्यू कर सकते देख सकते हैं, और अगर आपको प्रीव्यू नहीं करना है तो आप सबमिट फॉर रिव्यू क्लिक कीजिए, आपका प्रीव्यू रेडी हो गया, आपको ऐसे दिखाई देगा सैंपल टाइटल फॉर हेयर एंड आपका फोटो कंटेंट, इस टाइप से आपका दिखाई देगा। तो सबमिट फॉर रिव्यू कीजिए एंड आपका जो आर्टिकल है वो हमारे एडमिन के पास में पहुंच गया है, जो आंसर रिव्यू के लिए आपका आर्टिकल पहुंच गया है, पोस्ट सबमिटेड फॉर रिव्यू। आप इधर से चेक कर सकते हैं कि पोस्ट कैसा है, कैसा दिख रहा है। जैसे आपका आर्टिकल हमारा एडमिन अप्रूव कर देगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास में मैसेज भी आ सकता है, तो उधर से आप अपना आर्टिकल फिर ऑटोमेटिक आपका आर्टिकल हमारी वेबसाइट के होम पेज पर पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद में आप इधर होम पे क्लिक करने से हमारे वेबसाइट फिर से ओपन हो जाएगी, आपके इधर में लेटेस्ट अपडेट में आपका आर्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हमारा एडमिन अप्रूव कर देगा, अप्रूव करने के बाद में आपका आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट्स में मिल जाएगा। और सब काम होने के बाद में अपना अकाउंट को लॉग आउट करना मत भूलिए, और साथ में ये याद रखिए इधर में आप अपने आर्टिकल अपलोड करने के साथ साथ अपने फेसबुक की तरह मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बना सकते हैं, और इधर सेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी है, और चाहिए तो और आप अपनी खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप हमारे एडमिन से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा। हमारी साइट्स पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी साइट है वो साइट.com से अप्रूव है वो आप क्रिएट हो जाएगी, सबसे बाद में लॉग आउट। आपने बहुत जो कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एट लीस्ट थैंक यू।